दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर साथ में लगे हुए घंटे को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, डमेडी अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किडनी की पथरी के बारे में। दोस्तों, आजकल लगभग हर इंसान किडनी और पित्त की पथरी से पीड़ित है। चाहे हम जितना भी परहेज कर लें, लेकिन किडनी की और पित्त में पथरी हो ही जाती है। दोस्तों, ये तो जिसको पथरी होती है वही जानता है कि इसमें कितनी मुश्किल होती है, कितना दर्द सहन करना पड़ता है और कितनी उल्टियाँ सहन करनी पड़ती हैं। उल्टियाँ आ जाती हैं दोस्तों इसके दर्द के कारण। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले एक ऐसी दाल के बारे में जिसका उपयोग करके आप पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, उस दाल का नाम है कुलथ की दाल। कुलथ की दाल को दोस्तों हर्ष ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत, नेपाल सहित अधिकांश एशियाई देशों में सदियों से इसकी दाल का प्रयोग पथरी किडनी स्टोन के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, उष्ण प्रवृत्ति के होने के कारण जाडों में अक्सर पहाड़ के लोग इसकी दाल का सूप पीते हैं। यह आयरन का एक अच्छा स्रोत है तथा किडनी सहित उदर रोगों में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक इसे एंटी हाइड्रोक्लोरिक गुणों से युक्त मानते हैं तथा इसे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने वाला भी मानते हैं। इसके बीज के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित शोध के अनुसार यह किडनी स्टोन को डिजॉल्व करने के गुणों से युक्त एक दाल है। आयुर्वेद की चिकित्सा में इसकी दाल का प्रयोग अश्मरी, मूत्र, लंग, एमेंट्रोया में करते हैं। INCBI के प्रकाशित के एक शोध के अनुसार यह वजन को नियंत्रित करने के गुण से युक्त प्रभावी भी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं व्याह को कुलथी की दाल का प्रयोग पथरी को जड़ से मिटाने के लिए कैसे करना है और इसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सको। दोस्तों, इसके लिए चाहिए कुलथी की दाल या कुलथी के बीज, और साथ में चाहिए खीरा बीज, और तीसरा चाहिए गोक्षर बीज। इन सभी को दोस्तों समान मात्रा में लेकर आपने कूट लेना है और उसका चूर्ण बना लेना है। और दोस्तों, कितना चूर्ण देना है पथरी के रोगी को? पथरी के रोगी को दोस्तों सवेरे और शाम के समय 5 ग्राम सवेरे और 5 ग्राम शाम को 1 महीने तक देना है। और जब ये चूर्ण देना है सुबह, तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने उस रोगी को कुछ नहीं देना ताकि वो आपके पेट में जाकर चूर्ण अच्छी तरह से सही जगह पर अपना असर दिखा सके। और दोस्तों, इस अवधि में 1 महीने तक आपने प्रचुर मात्रा में पानी लेना है ताकि फोर्स्ड डायूरेसिस होता रहे और आपकी पथरी दोस्तों जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ आपने क्या नहीं लेना है, क्या परहेज करना है? दोस्तों, शिलाजीत इसकी उल्टी प्रवृत्ति की एक चीज़ है, तो उसे शिलाजीत के साथ दाल सेवन नहीं करना है वरना नुकसान हो सकता है। परहेज रखें दोस्तों, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।